रंजिश के चलते पत्रकार की पुत्री को केरोसिन छिड़क कर किया आग के हवाले। मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय पुलिस द्वारा पूर्व में बलवा के दौरान घायल 80 वर्षीय वृद्ध की हुई इलाज के दौरान मौत के मामले में क्षेत्र के पत्रकार सहित 13 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर 8 लोगों को घायल अवस्था में ही अस्पताल से उठाकर जेल में फूंस देना व जानलेवा हमले में नामजद 12 व 1 अज्ञात को खुलेआम संरक्षण देना ही इस घटना का कारण बना। थाना अध्यक्ष बल्दी राय अखिलेश सिंह की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध बनी हुई है। थाना बल्दी राय क्षेत्र के निवासी प्रदीप सिंह जनमोर्चा अखबार के दिल्ली से रिपोर्टर हैं। उनकी खतौनी की जमीन में शव दफनाने का उन्होंने विरोध किया तो थाना अध्यक्ष बल्दी राय अखिलेश सिंह ने स्वयं थाने की फोर्स लेकर उनकी उसी जमीन में शव को दफन करवा दिया। यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई। बाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले जिसमें राहगीरों सहित दर्जनों लोग घायल हुए तथा 5 बाइक आग के हवाले कर दी गयी। झगड़े में शामिल गंभीर रूप से घायल 80 वर्षीय वृद्ध की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। यहीं से थाना अध्यक्ष को पत्रकार से बदला लेने का मौका मिल गया। विपक्षियों से तहरीर लेकर पत्रकार प्रदीप सिंह सहित 15 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया। बाद में 302 बढ़ाकर अयोध्या जिला अस्पताल में इलाज करवा रहे पत्रकार प्रदीप सिंह सहित 8 लोगों को उठाकर घायल अवस्था में ही जेल में झोंक दिया। जानकारी मिलने पर जिले के पत्रकार पुलिस अधीक्षक से मिले तो पत्रकार की पत्नी अर्चना सिंह की तहरीर पर मुकदमा लिख तो लिया तो किसी एक नामजद की गिरफ्तारी नहीं की। जनपद के पत्रकारों ने पत्रकार की पुत्री को आग के हवाले करने वालों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही करने व थाना अध्यक्ष बल्दी राय अखिलेश सिंह की भूमिका की जांच करवाकर कड़ी विभागीय कार्यवाही करने की मांग की है। क्या हुआ? नल पे रहन पानी भरा करने पीछे से जयकरन महान थे सुभाष तीनों जने आए हमारा कपड़ा वही फैला रहा वही से मुँह बांधे और पैर बांध के मिट्टी तेल जा रहे ओकर बाद जो रहे की रहा जयकरन महान थे सुभाष परसौली का है दवाई लगाओ हमें जल्दी जल्द बाहर। इनके घर कहाँ है? अरे हम प्रदीप सिंह का परसौली घर। सर अभी एक पेशेंट आपके पास आई थी श्रद्धा सिंह, तो उसकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, कितने परसेंट जली हुई है? कंडीशन उसकी मोर है, मोर है 80% वाली है। 80% जली हुई है। अच्छा, क्या उसके हाथ पैर मारने के कहीं निशान था उस पे? जैसा कि उसने बताया, उसने खुद पेशेंट ने बताया है कि गांव के लोग दो तीन लोगों ने उनको नाम भी बताया, मैंने एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन नाम उन्होंने दिया था कि उन लोगों ने उसका हाथ पैर हाथ और मुँह भी पैर बांध के मिट्टी तेल डाल के चलाया जी। क्या कंडीशन फिलहाल, क्या कंडीशन? कंडीशन तो इसकी पुअर है, पुअर कंडीशन जी। मैं यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और इसको जिले के लिए रिफर किया गया है, मोस्ट प्रोबेबली इसको शायद हम लोग रिफर कर दिया जी। थैंक यू।